हाथ रिक्शा कोलकाता महानगर में एक विरासत यानी धरोहर का दर्जा रखते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से कोलकाता महानगर से हाथ रिक्शा का चलन कम होता जा रहा है। इसके संबंध में तृणमूल नेता मुख्तार अली पिछले कई सालों से लगातार इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑल बंगाल हैंड रिक्शा चालक यूनियन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन रिक्शा चालकों को खाना खिलाने से लेकर उन्हें खाने की सामग्री भी दी गई। इस मौके पर सांसद नदीमुल हक समेत कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्तार अली ने कहा कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल के लोगों के लिए जब सोचती हैं, तो सबको स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रही हैं, सबको अनाज दे रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि दीदी को इन रिक्शा वालों पर भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें इनका जायज हक मिलना चाहिए और ये कैसे अपने पैरों पर खड़े हों उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रिक्शा कलकत्ता की पहचान है, बल्कि रिक्शा और रिक्शा वाले के लिए ही कलकत्ता का नाम सिटी ऑफ जॉय पड़ा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी ये है। वाकई देखा जाए तो हम लोग के बचपने से लेकर आज तक जो रिक्शा वाला है, बहुत मेहनत की सर्विस पूरे इस शहर को दी है, अपनी ज़िंदगी दे दिया है। आज लेकिन हालात उसके लिए साजगार नहीं है। रिक्शा, हाथ रिक्शा जो खुद है, इसको जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो ने कहा कि भाई ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेमाल है इंसान का इंसान के साथ, तो वो खुद इसको ये किया। लेकिन जैसे मुख्तार भाई बोल रहे थे कि हम लोग को उनको अल्टरनेटिव देना, ये कोशा है, हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मामला पूरा हल की तरफ नहीं निकला है। तो मैं इनसे कहूँगा कि ये फिर से पहल करें और जहाँ इनको रुकावट आती है हम लोग से भी कंसल्ट करें। इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक सूदमंद हल इसका निकले, ताकि जो रिक्शा वाले रिक्शा अब तो चला नहीं सक रहे, लेकिन उनके रोज़ी रोटी और उनके जो दीगर मसाइल है उसका कुछ सलूशन निकाला जा सकते। ख़ास कर करके जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, स्वस्थ साथी हो, चाहे हेल्थ कार्ड हो, हाँ और भी जो राशन का स्कीम सब है, इससे उनको कम से कम जोड़ा जा सके, कुछ तो उनका आंसू पोछा जा सके। देखिए पहले तो ज़्यादा ही था, जब लेफ्ट फ्रंट के दौर था उस वक्त तो रिक्शा को चलने नहीं दिया जा रहा था। उस वक्त एक अलग हालात था कि उसको चलाना ज़रूरी था, रोकता था, पुलिस पकड़ता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि उसके लिए हम लोग आंदोलन किया। लेकिन जब से दोस्त सरकार आई है, हम लोग ये कोशिश में है कि इसको रिहैबिलिट किया जाए, इनका फुल पैकेज किया जाए। इसके लिए हम लोग 2014 में सरकार से बातचीत हुई थी, पूरा CM बहुत सहमति है कि ये मेरा मैंने आंदोलन का ये भी एक हिस्सा था, तो चाहते हैं कि इनका कुछ हो। तो अभी जो गुज़िश्ता दिनों जो रिक्शा का एक रिक्शा वाला रिक्शा लेकर जाने लगा, उस सिलसिले में मुझे लगा कि नहीं, इस मामले में कुछ करना होगा। तो हमने फिर ये एक पैकेज उनको एक कुछ दिन के लिए एक राशन और खाने का इंतज़ाम किया। मकसद यही है कि इनसे इसके अंदर भी एनर्जी आए कि मेरे लिए कोई लड़ाई इनके नाउम्मीदी ख़त्म हो, इनके अंदर जो परमानेंट सोल्यूशन इसका रिहैबिलिट। हम लोग चाहते थे कि इनका टोटो रिक्शा दे दिया जाए, जो हम लोग ने मुख्यमंत्री CM से बात किया था, इनको टोटो रिक्शा दे दिया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए, या इनका बदली में इनका कोई आदमी चलाएगा, इनको कुछ पैसा मिलेगा। तो बहुत तरह का हम लोग प्रपोजल लेके बैठे हैं, आने वाले दिन में बहुत जल्द पहले तो इनको फर्स्ट किया जाए कि खाना का जो बंदोबस्त है, इनको जो दूसरे रियासत के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और इनका योगदान है हमारे शहर में, 100 साल से ये बच्चों का, घर का, हमारे गार्जियन के तौर पर काम किए, तो इनको हम पहले एक जगह फर्स्ट एड करें, इनको कुछ रास्ता निकालें, उसके बाद इनको राशन का बंदोबस्त किया, उसके बाद इनका जो पैकेज है हम लोग उसके लिए रिहैबिलिट का या अल्टरनेट का कुछ रास्ता निकालेंगे। अभी कलकत्ता में जिन जगहों पर हाथ रिक्शा चलता है, सुनने में आता है कि ट्रैफिक पुलिस उनके साथ ज्यादती करती है, सख्ती करती है। ज्यादती करती है, हमारे पास रिपोर्ट आने से बिल्कुल हम उसी वक्त एक्शन में रहते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, मालूम करते हैं, तो वो तो है ही है। बहुत जगह वैल्यूशन, हम लोग का 6,000 रिक्शा था, अभी करीब करीब 3,000-3,500 चल रहा है। वो भी हम लोग ये प्लान किया है, परसों मीटिंग किया है कि जोन वाइज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, एरिया वाइज में हम लोग पूरा आइडेंटिटी कार्ड देंगे रिक्शा वालों को कि कितना एरिया में कितना मेरा रिक्शा वाला, ताकि गवर्नमेंट को भी मालूम हो
कि इनको दिया जाए, किस वार्ड में ये जाएगा, किस वार्ड से, इसका एक डाटा कलेक्शन पूरा करने के लिए प्लान है, क्योंकि ये वसाइल नहीं है, ये यूनियन को बचाने के लिए पैसा दे, ये तमाम अकेला हमको चलाने पड़ रहा है। इससे कोई मेरा जाति मफाद नहीं, सिर्फ इनका मोहब्बत है, इनका मेरे लिए सहायता नहीं, नहीं किसी से, कोई किसी से। 14 ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब लोग मिले थे, हाँ, उनका चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय, उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया था, उस ड्राफ्ट के बारे में हम 5-6 लेटर भेज चुके हैं कि इनका कुछ जवाब दीजिए, आपने जो ड्राफ्ट दिया था हम लोग करेक्शन करके दिया, तो उसके बारे में डेडलॉक है, कोई बात आज नहीं हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि एक आज जो आज आज़ादी के दिन हम लोग जो मीटिंग किया, इससे एक नई रोशनी हमें भी हिम्मत हुई कि कुछ करेंगे, जिस तरह हमारे लोग, हमारे साथी आम लोग जो सामने आए, तो ज़रूर उनके सामने बात आएगी, ये हमारा सर कलकत्ता का अंग है, हिस्सा है, इसको बात देखे कलकत्ता जो होते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग बिहार यूपी माइग्रेट बिहार से होते हैं या यूपी से होते हैं, कलकत्ता के यार या बंगाल के नहीं हो, तो ऐसे लोगों को बंगाल में रोके रखना, ये कितना आप लोग के लिए? मैं रोके रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो यहाँ पर काम कर रहे उनके उनको पूरा पूरी रोज़गार मिले, अगर रोज़गार ना मिले तो उनको जो भी फैसिलिटी सरकार सास्तों साथी से लेकर जो मिल रहा है वो चाहते हैं कि इनको भी मिले, बहुत कम तादाद है, इतने लोगों को पूरा 9 करोड़ लोगों को जब सास्तों साथी कार्ड दीदी दे सकती है, तो 2000 के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, समझते, बहुत बड़ा दिल है दीदी का, 2-3 हज़ार को और भी दे सकती है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द कल ही उनको मैं मेमोरेंडम भेजूँगा, ये तमाम बात जो हमने सोच के रखा, उम्मीद है कि कुछ जल्द इनका रास्ता निकल जाएगा। हिंदुस्तानी के नाम से जाने और पहचाने, जब हमारे रिक्शा चालक भाई हमारे थे और जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, जो सरकार उनको ताउन जो भी जिस तरह से भी करती थी, तो एक शख्स जो है उनकी क़यादत करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया कि इन्हें भी महसूस हो कि इनके पीछे एक दीवार है जहाँ पर एक संभल सकते हैं, जहाँ पर उनका कोई उनकी परेशानी हो तो अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। हिंदुस्तान के मसाइल, रोटी कपड़ा और मकान के सारे मसाइल एक शख्स कोई भी हल कर देगा ये नामुमकिन है, लेकिन इंसान के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहना ही बड़ी बात है। उनके बहुत जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल हैं, उन्होंने कहा है कि इसको हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश ही मंजिल तक पहुंचाती है, रास्ते का नाम कोशिश है तो कामयाबी का नाम मंजिल है, तो वहां तक वो पहुंचेगी। आज यौम आज़ादी के मौके पर जब हमारे सभी यहां पर हजरात यहां मौजूद हैं, हमारे मुख्तार अली साहब ने कुछ एक तोहफा जो देने की कोशिश की है, वो एक तोहफा हमें नहीं कहेंगे, वो राशन है, अनाज है, उनको ये महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी भी आज़ादी में मेरा भी हक कहीं मौजूद है। जो आज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जनाब मुख्तार अली जो आप नाम लिए हैं, मुख्तार अली पिछले 12 साल से काफ़ी जद्दोजहद कर करके, आपने देखा होगा कि हमारे मुख्तार अली साहब के नेतृत्व में हावड़ा में जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो मीटिंग की थी उसमें मदद किया गया था और इनको सम्मानित भी किया गया था, और ये उन्होंने बताया हमारी रियासत की जिला ममता बनर्जी ने कि आपकी जो भी वाजिब जरूरियात होगी उसको पूरा किया जाएगा, और ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों की डिमांड मुख्तार भाई उनके नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्तार भाई समझ लिए पेश पेश है, और हम लोग सब उनके साथ में है, कांधा से कांधा मिलाकर के। आप देखे होंगे कि दुर्गा पूजा के टाइम में भी हाथ रिक्शा के हमारे मुख्तार अली साहब ने मतलब वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया था तोहफा तौर पर, तो ये हाथ रिक्शा बंगाल का जो है ये समझ लीजिए कि एक धरोहर चीज़ है, जो हम समझते हैं कि पूरे भारत में, हिंदुस्तान में ये चीज़ नहीं मिलेगा, तो ये हमारी फख्र समझ लीजिए कलकत्ता है, हेरिटेज है ये, तो ये बहुत ऐसी बात नहीं है। मुख्तार साहब इस काम से भी वो रहते हैं, तो आने वाले दिन में इंशाल्लाह हम समझते हैं बिल्कुल बिल्कुल निगाह रहनी चाहिए, अगर तवज्जा अगर नहीं है तो मैं आपके हालात बंगाल और न्यूज़टेक के माध्यम से कहूँगा कि हमारी नेत्री ये हमारे जो रिक्शा का यहाँ पे यूनियन जिसके रुहे रवा मुख्तार अली साहब है, तो हम समझते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दीदी जो सब तरफ निगाह रखती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि दीदी यहाँ पर भी निगाह रखेगी, इसलिए कि दीदी का कहना है कि धर्मो जान जाओ उत्सव सवार, तो उत्सव में हमारे रिक्शा वाले भी हमारे यहाँ पे जो है और सभी लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है, नाउम्मीदी कुफ्र है और कोशिश जारी रहेगी। हम मुख्तार अली साहब जो मतलब काफ़ी दिनों से ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम समझते हैं इंशाल्लाह हमारे जितने भी लोग हैं निराश ना हो, और ममता बनर्जी की ऐसी एक है कि मतलब वो गरीबों की मसीहा है, और हम सब बंगाल के जो भी ज़रूरत होता है वो पूरा करती है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि
कि हमारी भाई की भी डिमांड पूरी की जाएगी और यही हम उम्मीद करते हैं, इसलिए कि नेत्री हम सब के गरीबों की मर्जिया है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर भी उनको हम लोगों के बारे में जरूर सोचेंगे, ये उम्मीद करते हैं। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now